बडगाम में तीन लश्कर तैयबा के मिलिटेंट एसोसिएट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आपको बता दूं इनके पास से लश्कर तैयबा के 9 पोस्टर्स भी रिकवर किए गए हैं, कुछ आर्म्स एंड एमिनेशन रिकवर किए गए हैं और एक नाका चेकिंग के दौरान इन तीनों को हिरासत में लिया गया। क्या कुछ नाम है सबसे पहले जानेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राही आमिर ज्वाइन कर चुके हैं। हमें बताइएगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को कहाँ से इन्हें अरेस्ट किया गया है, कहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं और क्या क्या इनके नाम है। जी प्रियंका, वस्ती कश्मीर के बड़गाम में लश्कर ए तैयबा से वाबस्ता तीन साथियों को किया गया गिरफ्तार। सबसे पहले इनके नाम बताने की कोशिश करेंगे। शिनाख्त के बाद इनकी शिनाख्त जो है मोहम्मद यूनुस डार, जो कि मोहम्मद सुल्तान डार का बेटा बताया जा रहा है, साथ ही साथ सईद जहांगीर शाह जो कि गुलामुद्दीन शाह का बेटा बताया जा रहा है, और साथ ही साथ इरफान अहमद वगे जो कि अली मोहम्मद वगे का बेटा बताया जा रहा है। इरफान की अगर बात करें तो नगीन बीरवा से इसका ताल्लुक है। वही अगर हम शहीद जहांगीर की बात करें उसका ताल्लुक अरवा से बताया जा रहा है, और मोहम्मद यूनुस डार की बात करें तो वो भी अरवा से ताल्लुक रखता है। कुल मिला के तीन लश्कर ए तैयबा साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बड़गाम के बीरवा इलाके में। जराये से मालूम हो रहा है कि इतलात के मुताबिक कश्मीर सुक्रोल खबर एजेंसी के मुताबिक 62 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने पेटकूट बीरवा इलाके में एक नाका डाला है, और नाका चेकिंग के दौरान उन्होंने तीन अशखास को गिरफ्तार किया है और उनसे जो है बाद अजा मुजरिमाना मवाद भी बरामद किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि उनसे एक हैंड ग्रेनेड, 13 AK-47 राउंड्स और 9 LET के पोस्टर्स बरामद किए गए हैं, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है और इनकी शिनाख्त की गई है। बाद अजा एक केस भी दर्ज किया गया है, FIR नंबर 145/23 अंडर UAPA, और इनके हवाले से जो दफात लगाए गए, सेक्शंस लगाए गए 13, 18, 24, 39 और 7/15, 7/25 आर्म्स एक्ट के तहत एक केस रजिस्टर किया गया, मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर वस्ती कश्मीर से आ रही है, जहां पर नाका चेकिंग के दौरान लश्कर ए तैयबा से वाबस्ता तीन साथियों को किया गया गिरफ्तार। 62 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने नाका डाला था और चेकिंग के दौरान उन्होंने तीन अशखास को किया गिरफ्तार, उनसे मुजरिमाना मवाद भी बरामद किया गया, एक हैंड ग्रेनेड, 13 AK-47 राउंड और 9 LET के पोस्टर्स उनसे बरामद किए गए। बाद अजा उनको गिरफ्तार किया गया और इस हवाले से केस भी रजिस्टर किया गया। जी प्रियंका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से आमिर जानकारी दे रहे थे बडगाम से, उस बड़ी खबर सामने आ रही है कि तीन लश्कर तैयबा के मिलिटेंट एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से आर्म्स एंड एमिनेशन के साथ 9 लश्कर तैयबा के पोस्टर्स भी बरामद किए गए हैं और इन तीनों का ताल्लुक बडगाम से ही है। फिलहाल शुक्रिया।